स्वागत है आपका सेक्युलर इंडिया न्यूज में। दोस्तों, बुधवार के दिन महानगर कोलकाता के 62 नंबर वार्ड में अलीमुद्दीन स्ट्रीट में 62 नंबर वार्ड की काउंसिलर और बोरो 6 की चेयरपर्सन सना अहमद के द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था, जिसे सफलता का रूप देने के लिए वहां बहुत से लोग मौजूद थे। और आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत के दौरान सना अहमद ने ये भी कहा है कि किसी को भी अगर ब्लड की ज़रूरत हो तो उनके नंबर पर कॉल करके कार्ड को कलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सना अहमद ने अपने ही वार्ड में एक छोटे से गार्डन की भी ओपनिंग की है और इस शुभ मौके पर वहां मौजूद रहे एमएलए नैना बांध्योपाध्याय और संदीपन साहा। एमएलए नैना बांध्योपाध्याय ने सना अहमद के कामों की सराहना की और उन्हें इस शुभ काम की बधाइयाँ देते हुए नज़र आई। इनके साथ और भी कई सारे काउंसलर्स भी मौजूद थे, तो आइए दोस्तों चल के देखते हैं कि वहां उपस्थित लोगों ने क्या कहा। जनाब शफी साहब ने जो कि यूनुस साहब के हाशिम भाई के घर से तशरीफ लाई है, कहां हाशिम भाई के घर से आए? वार्डे खूब कम जाएगा এই 62 তে তো এর মধ্যে ও যে ট্রাই করে একটা টার্কি রেখেছে, একটু মাছ রেখেছে, একটু ক্রিসমাসের সাজাওয়াত রয়েছে, ইটস ভেরি গুড। হ্যাঁ, এনভায়রনমেন্টের জন্য আমাদের হয়তো, আমরা চৌরঙ্গীর মানুষ, চৌরঙ্গীতে খুব শর্ট জায়গা, সবই কাট বাড়ি বাড়ির মধ্যে আমরা থাকি মধ্য কলকাতা, সেখানে আমার অনেক ওয়ার্ডে এরকম ছোট ছোট পাখির জায়গা, বিউটিফিকেশন ছোট ছোট হয়। এইটা 62 वार्ड के जो तृणमूल कांग्रेस का पूरा टीम है, तृणमूल कांग्रेस का, तृणमूल यूथ कांग्रेस का, तृणमूल महिला कांग्रेस का, हम लोग सब एकजुट होकर काम करते हैं। यहाँ पर कोई सेग्रीगेटेड नहीं है और उन सब के मेहनत से आज ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया था। जितने भी सीनियर लीडर्स हमारे रह चुके हैं, वर्कर्स रह चुके हैं, जिन लोगों ने बहुत मेहनत की है आज पार्टी को, हम सबको इस मुकाम पर लाने के लिए, तो उनके फैमिली को बुलाकर हम लोगों ने आज उन्हें सम्मानित किया है और उन सब के याद में ये ब्लड डोनेशन कैंप किया है। क्योंकि हमारा कुमदान मकान मस्जिद यहीं पास में ही है, अभी फ़िलहाल ही मौजिन साहब का इंतकाल हुआ था, तो मैंने सोचा कि बहुत अच्छा रहेगा अगर उनके याद में भी हम कर दें नेक काम। वो भी कर रहे हैं हमारे बड़े मस्जिद के भी, इमाम साहब का कुछ दिन पहले जो सबसे यहाँ पर सीनियर बुजुर्ग थे उनका भी इंतकाल हुआ था, तो मैं उन सब के याद में हम सब आज जो है यहाँ पर, हमारा 100 डोनर्स अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीट हो चुका है। देखिए, वार्ड में एक चीज़ है, जितने भी लोगों के पास देखिएगा, मेरा पर्सनल नंबर सबके पास है, और नहीं भी अगर नहीं भी मिलता तो हमारे वर्कर्स इतना एक्टिव है, हर गली में, हर नंबर में कौन कौन सा पार्ट देखता है, इस तरह से सबका जो है जिम्मेदारी बटा हुआ है। इससे बड़ा डोनेशन जो होता है खून कई लोग कर सकते हैं, माली चीज़ हो या कुछ भी, क्या बोलते हैं, माली चीज़ हो या कुछ भी कमोडिटी हो, वो देकर आप उतना हेल्प नहीं कर पाइएगा जब आप किसी की, जो आप किसी की जान बचा कर सकते हैं, इंसान कर सकते हैं। औरतें और निकल कर आती है, और खास कर मैं पुकारती हूँ तो औरतें और खास करके ज़्यादा निकल। देखिए, ब्यूटिफिकेशन का काम हमें करना चाहिए, मेरा यही, मैं यही कहूँगी कि मुझे जगह नहीं मिल पाती, हमारी जगह काफ़ी कम है वार्ड में, मगर फिर भी हम लोगों ने कुछ जगह निकाल कर कोमदान बगान में एक थोड़ा सा बच्चों को खुश करने के लिए, क्रिसमस का भी वक्त है, हम लोगों ने वो जगह को ब्यूटिफाई किया। क्या वजह, वाइट किया गया था इसलिए वो आए, MMIC बोलिए या पार्टी के पोस्ट होल्डर्स बोलिए, काउंसिलर्स बोलिए, वार्ड प्रेसिडेंट्स बोलिए, दूसरे जितने भी हमारे कमिटीज़ हैं उनके मेंबर्स बोलिए, सबको यहाँ शरीक हुए, हमारे सारे वेलविशर्स हैं, हमारे किसी भी, देखिए हम लोग एज ए यूनिट, एज ए टीम काम करते हैं, पूरा तृणमूल कांग्रेस का जो टीम है हमारा, चौरंगी हल्के बोलिए या बोरो 6 का बोलिए, मिलकर हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। वो ऐसी शौक से लिबास भी है, प्लस आप देख सकते हैं उन लोग के गले में वॉलंटियर का वो भी है, तो शौकिया लड़के वो करते हैं, वो उसी मोड में कैसे बताऊँ आपको। ठीक, ये हम लोगों का आज 100 डोनर है, 100 डोनर का टारगेट है, तो ये इंशाल्लाह हम लोग का 70 हो गया है इंशाल्लाह, और 30 बाकी है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जरूरी हो गया। यहाँ पर देखिए, हमारे ये जो आसपास के जितने भी काउंसिलर, बहुत सारे काउंसिलर आपने देखा होगा, जो हमारे सोहिनी मुखर्जी थी, सचिन जी हैं, हमारे जो शांति रंजन कुंडू, हमारे यूथ के प्रेसिडेंट स्वपन समझदार जी हैं, और बहुत सारे काउंसिलर जो हैं यहाँ पर, वो हम लोगों की काउंसिलर के एक बुलाने से वो आ जाते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हमारी काउंसिलर बहुत एक्टिव, हर चीज़ में पार्ट लेती हैं, कोई भी प्रोग्राम हो वो अपने से, सामने से, अपने से, खुद से इंतज़ाम करती हैं, बहुत लोगों को लेकर, पूरे जो हमारे वर्कर टीम को लेकर वो बहुत अच्छा एक प्रोग्राम करती हैं, तो इसीलिए जो हमारे जो लीडर हैं आसपास के, जो हमारे काउंसिलर हैं, हमारे MLA, हमारे MP है, वो लोग खास करके 62 वार्ड में आना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर भूमिका कितना है, क्या 100% है, भूमिका का तो बात ही नहीं है। ये जो हमारे जो इस इलाके के जो हमारे जो बहुत पुराने
बहुत पुराने जो हमारे सीनियर जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो इंतकाल हो चुके हैं, तो हम लोग हर साल, आप पिछला भी रिकॉर्ड देखे होंगे कि हमारा हर साल यहाँ पर, जैसे हम लोग इकबाल फैन है, हमारे बहुत सारे जो पुराने सीनियर वर्कर्स है जो अब नहीं रहे, उनकी याद में हम लोग ब्लड डोनेशन यहीं पर हर साल हम लोग विकल्प है विज्ञान अग्रगति रक्त আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা খুব প্রয়োজন। সানা আহমেদকে অনেক অনেক অভিনন্দন যে এই অঞ্চলে এই ছন্দকালীন রক্তদান শিবির হচ্ছে, এটা খুব প্রয়োজন। সুতরাং আমরা চাই এইভাবেই সমস্ত মানুষ এগিয়ে আসুক, রক্তদান করুক, মানুষের পাশে দাঁড়ান। কলকাতা মে রহনে ওয়ালে নিবাসিয়ো কে লিয়ে আব হ্যায় এক খুশখবরি। জি হ্যাঁ দোস্তো, কলকাতা কা সবসে সুন্দর, শানদার অর আকর্ষক আন্ডার বাজেট ব্যাঙ্কুয়েট হল, জো কি পার্ক সার্কাস বেনিয়াপুকুর ইলাকে কে নূর আলী লেন মে স্থিত হ্যায়। दरअसल हम बात कर रहे हैं अंबर बैंक्वेट हॉल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो कि कोलकाता का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड चीपेस्ट बैंक्वेट हॉल के रूप में माना जाता है। पार्टी हो या वेडिंग या फिर कोई और अदर ओकेशन के लिए, अगर आप भी बुक करना चाहते हैं अंबर बैंक्वेट हॉल को, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।